निकले हैं जी अभी सीनों से जा रहे हैं नीचे। बड़ा व्यू है जी। चलो जी खाते हैं, नीचे जा रहे हैं। हम भी उतर गए हैं, अब जाएंगे इधर तख्ते बाबरी पे, और इधर ये आगे बाजार सा भी बना हुआ है। एक ये बड़ा दरबार है कि ऊपर छोटा दरबार बना हुआ जी। हम बातें जो हमारे साथ आपको सारे दिखाते जाएंगे। इसमें है क्या था भाई, इसमें लिखा हुआ क्या है? वही लिखिए कि यही तख्ते बाबरी है, ठीक है। पत्थर से पत्थर ऊपर ना है, तख्त एक किस्म का दूसरा पत्थर है बड़ा। और यार कुछ नहीं होना यार, वीडियो में आपस में चिया ना वो पत्थर उन्होंने बिछा के पूरा तख्त बनाया था, जिस पे खड़े होकर उसने किताब लिया था अपनी फौज की। वो बिछा के क्या करो पत्थर, ये एक पूरा एक पत्थर है, चट्टान है। अच्छा ये वाला, इसको क्या ना पीसेस नहीं किए गए, पत्थर उसके ऊपर है। पुलिस वालों से बातचीत की है, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे दफा 44 लगी भी है। और भैया सारे अपने जाने निकल वाले निकल आए हैं, अपने गांव के निकले हैं बंदे, तो हमने कहा चले जा, क्या कह सकते हैं। अब उन्हें इज्जत का भी ख्याल रखना है और अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना है, तो अब उन्होंने भी मैंने समाज किया, कहते हैं कि जाने का नहीं, हम जाने दे दें, लेकिन हमारी अपनी नौकरी का भी सवाल है। उनके पीछे से ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन चले अब बड़ा लंबा सफ़र किया है। कहीं चले हैं नीला वाहन का बोर्ड देखा है, सफ़र देख आए हैं, आगे 4 किलोमीटर का सफ़र है जी आगे, और चलने आए हैं। जब वापस चलते हैं, हम देखते हैं कौन सी जगह जाएं हम। आप प्रैंक हो गया ये, तो मंदिर आए हैं इधर तख्ते बाबरी की तरफ, आगे चश्मा भी सुना है, बहर है, अंदर भी नहीं आने दिया है। तो शाह साहब हमारे साथ है, तो उनकी बदौलत अंदर आने दिया। शाह साहब क्या कहेंगे, कैसा मज़ा आ रहा है आपको? हाँ जी यार, आपको नहीं यार? नहीं हमें इस तरह का नहीं मज़ा आया। आगे वो झील थी वो बंद थी, और हैं ओ दुई ये जा तख्ते बाबरी है जी, उधर जा रहे हैं हम। आप अच्छी जगह जो घूमने की फैमिली वालों के लिए बहुत अच्छी जगह है। जूम किया 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 जूम किया, बहुत वाम है जी, बहुत वाम है, इतना रश है जैसे कोई फैसल मस्जिद हो यहाँ पे। चेक करेंगे, बड़ा अच्छा मौसम में, बड़ा अच्छा हो गया है। ये जो है मैं बाजार आ गया, चेक करें चेक, बाजार आ गया हम। अब ये चेक करें यहाँ पे नंबर के बने हुए चीज़ें, यहाँ पे सीपियाँ वगैरह सब कुछ। अच्छा जय, मैं ऊपर जा रहे हैं जी, ऊपर सखी दरबार, क्या कहने वाक बहु है दरबार, उधर जा रहे हैं साथ साथ आते जाएं। अब बस ऊपर हमने चढ़ने लाई गई ऊपर ही, सारे भाई भी आ गए हैं, गर्मी बढ़ी है तो उनका हाल भूलिया हुआ बहफुल। ये ऊपर टॉप से जी व्यू चेक कर रहे हैं जी, वो आपको सारा डैम नज़र आ रहा है जी, झील है, झील है जी, और वो जी अक भगवान का दरबार है, आगे कोई तख्ते बाबर भी है, बाजार भी है, बाजार भी है नीचे, जहाँ से हम आए थे वो भी है। बड़ा खूबसूरत मंजर है जी, ये मोबाइल भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता, लेकिन मंजर बड़ा अच्छा है जी, चेक कर रहे हैं जी आप। मेरे ख्याल में दरबार बहुत खूबसूरत मंजर है, क्या करेगा नीचे लगता है, नीचे वाम से वाम जी ये पट्टा से व्यू चेक करें जी। और तो नीचे वो नहीं, ये तो मस्जिद है नहरा, अंदर आए हैं, तीन चेक करते हैं।
ये अंदर जितने चिल्ला गा है इंद्र चेक करें यहाँ दीवार चेक करें अंदर यहाँ लिखा है कुछ सारा सुल्तान बहुत नहीं और बाबा फरीद का ही जाओ शुक्र एक और भी है और सूफी ग्राम चेक कर हाँ क्यों ऊपर में दीवार चेक करो उनका सारा नहीं है पहले बता दिया था मैं चल बताता हूँ बड़े जिंदर खौफनाक सा मंजर था जी इतने शायद लटकाए गए जी हाँ समंदर गए हैं क्यों था जी कैसा था अंदर मंजर चेक किए दीवार अंदर से हाँ जी हामिद साहब हाय बोलो सबको हाय कैसे हो साहब हाँ जी सारे मिर्जा सारे जो मंदिर जा रहे हैं शाह साहब के पीछे पीछे हम लोग और ये बड़े अच्छे यहाँ पे अनार है जी चेक करिए अनार लगे हुए बड़े बहुत ज़्यादा बगात है यहाँ पे सारे बगात बगात हैं ये चेक करो सारे बगात अंदर अनार लगे हुए सारे दूर दूर तक शाह साहब आगे आ गए बहुत ज्यादा वाह है जी सामने दरख्त चेक करें बड़ा पुराना दिल ऐ पा रहे हैं तख्ते बाबरी ये जी कोई अब लिखा हुआ नहीं तख्ते बाबरी ये तख्ते बाबरी की बाग के वस्त में पहाड़ की चट्टान तराश के बाबर की फौज ने बाबर के लिए तख्त बनवाया जिस पर खड़े होकर बाबर ने अपनी फौज खिताब किया था तख्ते बाबर के नाम से मौसूम बर भाई मेन मकसद इसका यही था कि अपनी कौम से खिताब करना था इसने इसने सोचा से तख्त बनवाया था ये अजीब तख्त सलमान इस जगह जो खड़ा हुआ था यहाँ से जी अपनी उसने कोई फौज थी उसके साथ अपनी फौज खिताब किया था जब चेक कर सकते हैं इतना ऊपर कोई तख्त बनाओ तो यहाँ सब क्या मंजर होगा मैं आपको ही ना बाबर मेरे फौजी हो सिपाही हो बैरो आज जुम्मे का खुतबा वहाँ पे दिया लिखा है जुम्मे का खुतबा स्टोरी वो लिखी हुई है लेकिन जो अब हम जवाद की बकौल उनकी ज़बानें सुनते हैं यार असल में स्टोरी इसकी ये है कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर जो उसके फाउंडर हैं उन्होंने जब स्टार्ट किया था अपना सफ़र इधर इधर बरियाज़म अच्छा उस टाइम जब इन्होंने शुरू किया था दिल्ली से चले थे और काबुल आए थे काबुल के बाद जब उन्होंने पहला स्टे किया था उन्होंने इधर किया था अच्छा 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 जब इन्होंने स्टे किया था तो इधर की जो इन्होंने ये जो है लेक है उन्होंने दरियाफ्त की थी इसकी वजह से यहाँ जो सीनरी थी इसकी वजह से यहाँ उन्होंने कुछ एक महीने तकरीबन इधर ही स्टे किया था स्टे के बाद जब उन्होंने अपनी खिताब किया था इसके बाद अपनी फौज से खिताब किया था तो उसके लिए जहाँ वो बैठे थे वो ये तख्त अच्छा 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 उन्हें की बदौलत जिस जगह उन्होंने पहले ही बाग दरियाफ्त किया था जिसे कहते हैं बाग सफा बाग सफा हमें सारा बागात है ना मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि सारे यहाँ पे बाग हैं शायद उन्हें बागात को बाग सफा कहा जाता है साथ साथ रहेगा बड़ी मज़ेदार वीडियो है जी हाँ जी वापसी हो रही है जी वापस जा रहे हैं हम जा चकवाल होटल तक खाना शाना खा सा जी
बाद शहर में पहुंच गए अंदर मरकज है हर सहूलत मौजूद है यहाँ पर भी वर्कशॉप की दुकानें हैं फार्मेसी बनी हुई है प्लाजे बने हुए यहाँ पे पीछे पेट्रोल पम्प भी थे मतलब अच्छी जगह है आप फैमिली के साथ आ सकते हैं सफर ही बच्चे बिल्कुल सही रहा है रोडें ठीक थी थोड़ा सा बीच में रोड का मसला है लेकिन अच्छा सफ़र रहा है फिलहाल तो अभी तक देखते हैं आगे कैसा सफ़र जाता रहता है एक तो मोटरसाइकिलों वालों से बड़े तंग हैं जी गाड़ी चल रही होती है एकदम बीच में आ जाते हैं ये देखिए देखिए थे अब उसने पीछे कुछ देखा जी कौन नहीं सीधा बीच में फिर कहते हैं ये टूट गए यार मबदा वाले सही है साथ साथ रहिएगा हमारी वीडियो में अभी तक लेके जाएंगे आपको ये तो नहीं है जी 350 मीटर पर पढ़ना आगे से क्यों कर जो लौने न करती जो बहुत फैमिली जाएंगे बहुत रश है यहाँ पे हर दो में गाड़ियां ही गाड़ियां इन 200 मीटर्स टर्न लेफ्ट और फाइनली नीला वहां आ गया जी नीला नीला वाहन ये रास्ता जा रहा है वो आगे जा रहे और नीचे रास्ता जा रहे थे नए को नीचे जा रहे थे रास्ता पीछे 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 दरबार में आ गए ये चेक कर रहे हैं हाँ जादी दरबार में आ गई माशाल्लाह भाई हाँ माशाल्लाह जी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत गुम्बद बना हुआ जी उधर आप जी बड़ा खूबसूरत मंजर है यहाँ पे बड़ी वाम भी है रौनक मेला भी है मौलवी हजरात भी यहाँ पे आए हुए हैं बड़ी यहाँ पे फैंसी वाम भी आई हुई है जी देख सकते हैं आप हाँ अब हम तो आ रहे हैं दरबार के अंदर जी दरबार चेक करें यहाँ पर यहाँ अंदर दरबार है चेक करें फैज़े आलम नूरे आलम जुत्ती नहीं जानी कापा जुत्ती नहीं जानी माशाल्लाह जी माशाल्लाह बड़ी वाम आई है जी क्या कर सकते हैं जुतियाँ कहाँ रखें जुतियाँ जुतियाँ रखें जी कोई पता नहीं है किसी टाइम चोरी होने का खदशा है एक तो इनका जुतियों का भी हाँ जी जुतियाँ रखी हैं अब जा रहे हैं जी यहाँ पे अंदर कोई अपने में जुती फोड़ फोड़ खिंचवाते हैं दुआशा करते हैं देखते हैं जी अब आप ये चेक करें जी अंदर से ये जी आगे अब अपने ही रिश्तेदार जा रहे हैं पीछे से पहले सारा रास्ता आप इनको वह के पर जल्दी पहुँचे इन्होंने हमने गाड़ी तो बाई है अब अपनी उसमें जवाद है मरगूब है ता है
इधर आए तो यहाँ पे बाग रोड थोड़े मसला का आ रही है, वनहार जगह है जी, वनहार। ये मछाल अड्डे में पहुंच गए जी, मछाल अड्डा। बहुत सी जगह है जी यहाँ पे, हर दो मिनट बाद कोई नया गांव है, फिर आगे जाए फिर नया गांव है। बड़ी अच्छी जगह है, मतलब यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे कैडेट कॉलेज है, मेन साइंस कॉलेज है, एजुकेटर्स लाइट स्कूल, बहुत से बीच में जैसे हम स्कूल कॉलेज देखे हैं, बड़े अच्छे कॉलेज देखे हैं। अब देखने में ये जगह बहुत बैकवर्ड लग रही है, लेकिन यहाँ पर जो इनका जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। आई कॉम बी कॉम या एक और कॉलेज आ गए यहाँ पे जी, लेकिन इस जगह बुछाल पे बहुत रोड खराब है जी, बहुत रोड खराब है। तमाम मिर्जा हमारे साथ है, कहाँ मजा नींद आई आपको? इसको जी नीनो आ गई है या फुल, मतलब वहाँ पे जाके इसने जागना है और वहाँ पे जाके शोर करेगा। ये बच्चे हैं ना, एक जो मोड़ आते हैं तो दिल पे कुछ होता है, कोई गाड़ी शाड़ी आ रही है ये है वो है, मन में है ना सर में ये घोड़ा चा करें जो सूरत यहाँ क्या बात, खुशाब आ गया जी। लीला इंटरचेंज, अच्छा जी लीला इंटरचेंज खुशाब, बहुत देखें जी माल मवेशी है तो सारा बड़ा खूबसूरत है। रस्ते जा रहे हैं, बहुत से रस्ते हैं बीच में जा रहे हैं, बड़ी खूबसूरती है। दस पे अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, होने भी चाहिए। मोर को साफ रखने में बड़ा इनका मेन रोल है जी। मेरे जो कुछ रेल सस्ते हो पहुंची है, बड़ा ठीक लग रहा। इलाका ये अपना छब्बर से मिलता जुलता ये सारा तकरीबन, तो सारा उसी तरह की यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है, चोटी से निकली हुई है पहाड़ की। चलें जी आज बस हमने अपने कजन तला मिर्जा तला भाई उनकी जिम्मेदारी ली हुई है, आज का व्लॉग सारा आपका हमारे साथ रहेगा। हम मैं ता मिर्जा है, साले मिर्जा हैं, बस जी हमारा शुगर हो रहा है, साथ हम अपना इंजॉयमेंट खा रहे हैं, खाना पीना लिया रस्ते में, खाया पिया है, फिर हमने फिर सफ़र में शुरू किया है। अब ये देखें बोर्ड चेक करें, आप ये देखें 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 देखें